हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे इंटरमीडिएट स्विच के बारे में, जिसमें वन लैम्प को तीन स्विचेस से कैसे कंट्रोल करते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे इंटरमीडिएट स्विच के बारे में, उसकी यूजेस क्या है और उसकी सर्किट। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल नॉलेज गुरु को। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बटन की शेप के बटन्स उतार दिए। यहाँ पे जो पहला वायर है हमारा वहाँ जाएगा इंटरमीडिएट स्विच के, और टू वे स्विच का भी जो सेकंड पॉइंट है वो इसमें जाएगा। उसके बाद हमारा जो क्रॉस जॉइन करना है हमें इंटरमीडिएट स्विच में, और उसके बाद जो हमारा दूसरी टू वे स्विच रहेंगे उसके जो कनेक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर उस तरह करना है। और यहाँ से हमारा बल्ब निकलेगा, बल्ब निकल के उसमें से हमारा न्यूट्रल सप्लाई की तरफ जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल बन गया और ये स्विच से हमारा फेज आएगा, जो कि हमारा 220 या 240 वोल्ट पे हमारा ये जो। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है, देखते हैं लाइव कनेक्शन किस तरह से कुछ हमें जो हमारा कनेक्शन दिखाई देगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे एक होल्डर है और तीन स्विचेस है, साथ तीन स्विचेस में दो टू वे स्विचेस और एक इंटरमीडिएट। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारा पहला वायर है बल्ब से निकलते हुए एक टू वे स्विच के सेंटर पॉइंट में गया, उसके बाद जो दोनों वायर है वो इंटरमीडिएट स्विच के दो नीचे के और ऊपर के इसमें गए, उसके बाद जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच में हमने क्रॉस कनेक्शन कर दिए उसमें, और जो हमारा देखिए हमने क्रॉस कनेक्शन कर दिए, उसके बाद जो हमारा बीच का इंटरमीडिएट का भाग बचा है वो हमारे टू वे स्विच के सेकेंड वाली के लास्ट वाली इसमें जाएगा, और जो ऊपर वाला है इस साइड इंटरमीडिएट का वो टू वे स्विच के नीचे वाले इसमें जाएगा। तो हमारा उधर से स्विच से फेज निकल जाएगा और इधर से न्यूट्रल। तो देखते हैं दोस्तों, हम कनेक्शन क्या है, इसका परिणाम कैसी दिखती है हमें जलाने के बाद। तो हमने यहाँ कनेक्शन सप्लाई दे दिया है, हम यहाँ सप्लाई देने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा लैम्प जल चुका है। आप देखते हैं हमारे जो लैंप है वो तीनों स्विच से वर्क करता है क्या। तो यहाँ पहले स्विच से वर्क कर रहा है, दूसरे स्विच से भी वर्क कर रहा है और तीसरे वर्क से। आप जिस स्विच से चाहोगे उस स्विच से वो बंद चालू होते रहेगा। तो इंटरमीडिएट का स्विच का यही काम है दोस्तों, जहाँ पे हमें एक बल्ब को तीन जगह से कंट्रोल करना हो या हमें बंद चालू करना हो तो उस वक्त हम इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर यदि आपको अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अगर आपको और आपकी इच्छा अनुसार जो भी प्रैक्टिकल पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ।